सबके जीवन के साथ जुड़ा विषय है। पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। रेलवे, बैंक, एसएससी आदि की नियुक्ति में कमी आने के बाद नौकरी देने में राज्य पर निर्भरता बढ़ गई है। हमारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दंत चिकित्सक, पंचायत सचिव, कोषागार लिपिक, सहायक लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, ए ग्रेड नर्स, आयुष चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, भाषाई शिक्षक, व्याख्या आदि के पदों पर हजारों युवकों को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक, पीजी प्रशिक्षित शिक्षक, नगर पालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, उद्योग प्रशिक्षण सेवा, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाइजर, मैट्रिक स्तर के संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक, झारखंड पुलिस आदि के हजारों पद पर बहाली हेतु प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 60,000 युवाओं को हमने विभिन्न कैंपों में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके अलावे भी लगभग 1,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएमई जीपी जैसी योजना चलाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में लोग इस योजना के तहत लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 12वीं जेपीएससी परीक्षा के विज्ञापन के साथ आपके बीच में हैं। इस समय एवं समय रहते इसे भी जरूर पूरा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेने के बाद हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए अपने इसी कार्यालय में एक और अवसर लेकर आने वाले हैं। कार्यकाल में इस एक और अवसर लेकर आने वाले हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन योजना शुरुआत की, जिसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने